Yes, good morning, students. Good morning, students. Wish you a happy new year to all of you. क्या बात है, किसी की आवाज नहीं आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। या गुड मॉर्निंग। चलो अभी तो कोई, अभी तो किसी की आवाज आई, सिर्फ एक ही बच्चे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। नो इशू। Yes, बच्चों, लास्ट क्लास में अपना कहाँ तक हो चुका था? आई हैव नॉट रिमेम्बर एनीथिंग। मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने। आप में से किसी को याद है? Yes? निर्वेद, आमिर, ईशान, वरुण, बच्चों आपको याद है कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? बिकॉज आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। ओके ओके, इसका मतलब अपना कोवेलेंट बॉन्ड तक हो चुका था, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका था ना। देखो मैंने नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाया बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इसका मतलब हमें आज, इसके बाद हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ना है। ओके, देन उसके बाद हम क्या लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल में वो भी देख लेंगे, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हमें कुछ, बच्चों आपको पता होगा जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो लेविस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ये है कि सेंट्रल एटम, जो जितने भी एटम्स हैं सबका ऑक्टेट कम्प्लीट होना चाहिए। यू हैव टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन सच वे दैट कि ईच एंड एवरी एटम्स ऑक्युपाई 8 इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस। क्लियर है? और अभी हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सारे बच्चे आ जाएंगे यार, बच्चे बहुत कम आते हैं, पता नहीं क्यों। किसी को लिंक में प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों ऐसे आइडेंटिफाई करने में? मतलब ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? अगर कोई, इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों आप बोलो, मैं आपके लिए लिंक सेंड कर देता हूँ। क्योंकि कोई लिंक सेंड नहीं करता इसके लिए, मैं भी नहीं सेंड करता था, नहीं तो सबसे पहले मैं ही तो सेंड कर आप लोग को जो भी लिंक था। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज स्टार्ट करें कि थोड़ा सा रुक जाए, एक मिनट और। व्हाट इज इट, मृंगांग ए वर्लिकर ईशान शक्ति? यस सर। क्या करें, स्टार्ट करें बच्चों? हेलो कर दें। ठीक है बच्चों, सिर्फ एक ही की, आप ही की आवाज है, बाकी कोई आवाज नहीं कर रहा है। किससे चालू कर दें? बाद में बच्चे बोलेंगे सर रुकते नहीं है और स्टार्ट कर देते हैं। यस सर, चालू कर सर। ओके चलो, दो बच्चे हैं, दो बच्चे मेरे साथ में हैं, और कितने मेरे साथ में हैं देखते हैं। आप दो बच्चों की आवाज आई? Yes, मतलब मेरे साथ में सिर्फ दो बच्चे हैं। ओके कोई बात नहीं, कितने अराउंड कितने स्टूडेंट है? 36 स्टूडेंट में से मेरे साथ सिर्फ दो बच्चे हैं। इट्स नॉट अ फेयर। मतलब क्या, आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है। मैं आप लोग को पढ़ा नहीं पाता हूँ, से ऐसा कुछ है क्या बच्चों? अपना दो मिनट हो गया। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। साहिल, रवि, उत्कर्ष, रितिका, आमिर, विवेक, जानवी, निर्वेद, परमेश, मीत, वरुण, आयुष, जानवी, रजनीश, सची, ईशान, मल्लिकर, अभिषेक। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो
इन द लास्ट क्लास बच्चों हमने क्या देखा था कि हमने सबसे ये देखा था कि एटम्स जो हैं वो बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि आप सबने बताया था कि बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी रीजन। सो बच्चों उनकी स्टेबिलिटी किससे कंपेयर की गई थी ये भी हमें जाना है कि नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। और फिर हमें क्या पता चला बच्चों कि आगे चल के ऑक्टेट ने भी यही रूल दे दिया कि अगर किसी भी एटम्स के बैलेंस शेल में अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेप्ट हीलियम तो वह एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके सो उसके अकॉर्डिंग बच्चों हमने अपना आयनिक बॉन्ड भी देखे, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में भी बच्चों हमने यही देखा, हमने NaCl लिया था, उसने देखे बच्चों Na का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा, नियॉन। अगर हम उसको आर्गन से के क्लोज लेके जाते हैं तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटरमोस्ट शेल में, और कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट नहीं करता और 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता। क्लियर माय पॉइंट? सो इसके लिए इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इजिली लूज कर दिया। बट इट फिर हमने देखा बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन को अगर हम इसके नियॉन से कंपेयर करें तो नियॉन तो इस वजह से तो बहुत दूर है, या तो इसको 7 लूज करना पड़ेगा या 1 एक्सेप्ट करना है। अगर ये 1 एक्सेप्ट करता है तो इसका नियरेस्ट नोबल कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन। और अगर बच्चे 7 लूज करेगा तो कौन बनेगा, नियॉन। बट ये 7 लूज नहीं कर सकता क्योंकि इसको बहुत एनर्जी चाहिए लूज करने के लिए, और इसको गेन करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है, और इस आयंस की वजह से बच्चों इसका नाम क्या पड़ जाता है, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बनाया था, द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। फिर इसके बाद बच्चों हमने आयोनिक बॉन्ड देख लिया, इसके बाद अब हमने बच्चों लैटिस एंथैल्पी भी देखा है। लैटिस एंथैल्पी क्या है कि बच्चों किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, किसी भी आयोनिक सॉलिड को अगर हमें उसके कंस्टिट्यूएंट गैसेस एटम में कन्वर्ट करना है, ओके सो जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको वही लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी कहलाता है। यस बच्चों गैसेस मॉलिक्यूल। क्लियर है? यस गैसेस कंपोनेंट एटम में उसको कन्वर्ट करने में जो भी हम एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं, जो एनर्जी उसको दिया जाता है वही इसकी लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। उसके अकॉर्डिंग बच्चों मैंने आपको दो केस बताया था, अगर एनायन सेम हो और बच्चों कैटायन डिफरेंट हो और उसका बच्चों चार्ज भी डिफरेंट है, तो जिसका चार्ज हायर होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। सर प्लीज सेंड पीडीएफ ऑफ नोट्स बच्चों, प्लीज डोंट डिमांड द नोट्स, क्योंकि आपके पास नोट्स ऑलरेडी आपको नीट के भी, सॉरी आईआईटी के भी मिलते हैं और मेरे भी मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि बच्चों आप टेक्स्ट बुक रिफर करो, कॉलेज के लिए टेक्स्ट बुक रिफर करो, ट्वेल्थ में मैं आप लोग करेक्ट चीज दूंगा। ओके बट अभी के लिए बच्चों टेक्स्ट बुक रीड करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे कैटायन तो तीनों है, एल्यूमिनियम भी कैटायन है, कैल्शियम भी कैटायन है और सोडियम भी कैटायन है, बट बच्चों इनका चार्ज देखिए, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है। ओके बिकॉज ऑफ दैट बच्चों इज द चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन हैविंग मोर साइज, सॉरी कैटायन हैविंग मोर चार्ज हैव मोर लैटिस एंथैल्पी। क्लियर? विद द सेम एनायन। उसके बाद बच्चों दूसरा में क्या देखा, एज द साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस लैटिस एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो बच्चों आपने इतने देखा है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम है, किसका साइज कम है बच्चों, पोटेशियम की साइज कम है। अगर बच्चों यहाँ पे सपोज कोई सीसीएम भी आ जाता, रुबिडियम भी आ जाता, तो बच्चों क्या होता, लिथियम LiFe आपका क्या होता, इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि इसी का साइज क्या है बच्चों, छोटा है। फिर सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीसीएम, देन फ्रांसियम। फ्रांसियम बच्चों रेडियो एक्टिव है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात इसके बाद बच्चों ने क्या देखा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर भी हमने क्या देखा बच्चों, हाइड्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन का हमने एग्जांपल देखा, हाइड्रोजन में हमने क्या देखा बच्चों, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, अगर इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, क्योंकि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीटली ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करके ये लोग क्या बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन केस में हमने क्या देखा बच्चों, किसके बैलेंस शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ये आप ट्रांसफर ना करके क्या करना चाह स्टार्ट करते हैं, शेयरिंग स्टार्ट करते हैं, और जब शेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अंडरस्टूड? सो हमने सब में बच्चों यही देखा कि एटम की स्टेबिलिटी किससे कंपेयर की जाती है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एटम के आउट ऑफ बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों किस पे, हम आगे बढ़ते हैं
कि हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या था कि लेविस से ये लेविस जो है लेविस होते हैं उन्होंने क्या बताया था कि मतलब कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल है तो उसके ईच एटम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या क्या उन्होंने कंडीशन बताया कि अगर सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद बच्चों आपको जो पेरिफेरल एटम है उसका आपको ऑक्टेट कम्प्लीट करना है। सबसे पहले पेरिफेरल एटम का ऑक्टेट कम्प्लीट होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचा है तो बच्चों सेंट्रल एटम पे हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, अगर नहीं बचता है इसके बाद भी बच्चों अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो हम वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं भी आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो बीच में प्लीज मुझे आप बोलिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सबको विजिबल है ना, जिन्हें विजिबल नहीं है प्लीज टेल मी। सबको विजिबल है बच्चों? यस सबको विजिबल है? बच्चों हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्वेश्चन बच्चों ये है। ओके तो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग को याद रखने हैं, लेकिन बच्चों मैं पॉइंट अभी नहीं बताऊंगा, मैं इसके साथ में कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में बच्चों आप लोग को बताते जाऊंगा, चलेगा? तो चलिए बच्चों मैं यहाँ पे आपके सामने दो एग्जाम्पल लेता हूँ। एक मेरा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा, एक मेरा एग्जाम्पल बच्चों CO3 2-, ध्यान से देखिए, और दूसरा बच्चों आपके सामने एग्जाम्पल में रखता हूँ O3, क्लियर है? अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बच्चों, इसमें कितने एटम्स हैं? आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें बच्चों दो डिफरेंट एटम है, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है। ओके क्लियर बच्चों? तो कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप सबको पता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो बच्चों इस प्रकार एक कार्बन के पास कितने हो गए 4, और 3 ऑक्सीजन के पास कितने हो गए बच्चों 18, तो 4 और 18 कितना हो गया बच्चों 22। आप देखो बच्चों 22 तो इस एटम के हुए, लेकिन बच्चों इसके ऊपर जो -2 चार्ज है वह भी एड होगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम फाइंड करेंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बच्चों 24। अब बोलेंगे सर 24 कैसे हो बच्चों, 22 तो इस एटम के हो गए प्लस जो दो नेगेटिव चार्ज है उसको भी ऐड करने बच्चों कितने हो गए 24। अगर यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता तो हम उतना माइनस करते इन एटम्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हुआ आप लोग को? ये मुझे बताइए स्टेप सबको क्लियर है प्लीज बच्चों? एक साथ में आपको बताना है। आप बच्चों सेम इधर ही आके देख लीजिए, आप यहाँ पे अगर बच्चों मैं टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखूं तो यहाँ पे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों मुझे कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन एटम है बच्चों, और आपको पता है ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितना बच्चों 6 कितना हो जाएगा 18। अब बात मुझे बताइए बच्चों यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो बच्चों जितना पॉजिटिव चार्ज होता हम 18 से क्या करते उतना माइनस करते हैं, जितना नेगेटिव चार्ज होता उतना बच्चों क्या करते हैं प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इधर पॉजिटिव चार्ज है नॉर माइनस चार्ज है, तो हम क्या करेंगे बच्चों जितना एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही लिखेंगे, तो कितना होगा बच्चों 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे 24 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके इन केस इफ देयर इज अ चार्ज ऑन, इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल ऐड दिस नेगेटिव चार्ज टू द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सब्सट्रैक्ट, इफ देयर इज नो चार्ज तो कंसीडर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल दिस एटम। सर द स्क्रीन इज ब्लर्ड निर्वेश। ओके बच्चों अभी थोड़ा सा अभी अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ पे। ओके डोंट वरी, मेरी आवाज आप लोग सुनते जाइएगा। नेक्स्ट बच्चों ये हो गया, अब दूसरी बार तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में बच्चों हम एटम्स को अरेंज करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे बच्चों देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन है, सो इनके इनमें बच्चों जो है कार्बन अपना लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसको हम सेंटर में रख देते हैं। ओके फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम कैसे अरेंज करेंगे बच्चों, ये देखिए क्लियर है, कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है। अब उसी प्रकार बच्चों सेंट्रल एटम बच्चों लीस्ट नेगेटिव को कंसिडर करते हैं, लेकिन बच्चों हर केस में ये नहीं अप्लाई होता। अगर आप बोले सर अमोनिया केस में हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बच्चों अमोनिया में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हाइड्रोजन है कितना बच्चों 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन कितना है 1 है,
तो नाइट्रोजन वहां पे क्या होगा, सेंट्रल एटम बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके सो बच्चे यहाँ देखिए, ये हो गया आप लोग को। फिर बच्चों हम यहाँ पे आते हैं ओजोन के केस में। यहाँ पे तो कोई सिर्फ एक ही एटम है, तो आप किसी भी प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर है बच्चों आप लोग को? अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना है। सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए बच्चों आपको पता है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कोई भी बॉन्ड बच्चों दो इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखिए बच्चों, हो गया यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड, और इधर भी बच्चों एक सिंगल बॉन्ड। क्लियर? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गए बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको पेरिफेरल एटम, जो सेंट्रल एटम से साइड में होते हैं वही कहलाते हैं पेरिफेरल एटम। क्लियर? अब हमें जितने तीन ऑक्सीजन है उनके ऑक्टेट को कम्प्लीट करना है। ऑक्टेट कैसे कम्प्लीट करेंगे? टू सिंगल एंड एक डबल। बच्चों अभी मैं बताता हूँ, डोंट वरी, देखो तो पहले आप लोग। चलो बच्चों अब यहाँ पे हो गया बच्चों दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, दो 4 6 8। क्लियर? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखते बच्चों 2 4 6 8, इसका भी कंप्लीट हो गया 2 4 6 8। अब बच्चों काउंट करें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। बच्चों 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है बच्चों। जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ है, तब हम क्या करेंगे बच्चों, किसी एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये डबल बॉन्ड कैसे इंट्रोड्यूस होगा, तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप है, और ये बच्चे थर्ड स्टेप में है। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए सीधा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सॉरी कार्बन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों पेरिफेरल एटम ऑक्सीजन पेरिफेरल एटम। आपको पता है बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 ध्यान से देखिएगा बच्चों 5 6, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गए। यहाँ पे जो है 2 4 6 8 2 4 6 8। अब बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके बीच डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया? अब देखिए इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे है देखिए, 2 4 6 8 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन लिखते हैं 2 4 6 और 2 8। अब ये बॉन्ड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये देखिए अब लास्ट स्टेप में बच्चों ये बॉन्ड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, सी इससे एक बॉन्ड बनेगा बच्चों। ये देखिए इसको ज्वाइन कीजिए, वो एक बॉन्ड बना, और इसको ज्वाइन करेंगे बच्चों दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ। अब इससे बच्चों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2। क्लियर हो गया? दो पेयर हो गए। ये सब कुछ दिख रहा है बच्चों, अभी विजिबल है सबको? प्लीज रिप्लाई बच्चों, सबको विजिबल है? ओके बच्चों थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपने देखा डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन अब बच्चों इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यस, लेकिन बच्चों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 पेयर हैं, 1 2 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर बच्चों सिंगल बॉन्ड है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ये चीज आपको समझ में है। उसी प्रकार बच्चों हम ओजोन को भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसके बाद में आपको बच्चों फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने ओजोन के लिए ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर दिया, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया दोनों ऑक्सीजन के बीच में। अब क्या करेंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, 2 4 6 8 हो गया बच्चों इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका 2 4 6 8 कितने हो गए बच्चों, टोटल हमारे 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। बचे कितना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल एटम पे जाएगा, लेकिन अभी भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। तो इस स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये देखिए सी बच्चों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप क्या करो, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दो। जैसे बच्चे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा बच्चों ओ। ओके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्लियर हुआ आप लोग को यहाँ पर भी? बट बच्चे यहाँ पे बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पेयर हैं, क्लियर है? यहाँ देखते बच्चों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बट बच्चों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 पेयर हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर, नॉन बॉन्डिंग। अगर मैं इस ऑक्सीजन को बच्चों O1 लेता हूँ,
इसको O2 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको O3 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो चलिए अब हम इसके फॉर्मल कैलकुलेट करते हैं बच्चों, फॉर्मल चार्ज। हम ध्यान से आप देखिए बच्चों, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब लोग तैयार हैं? यस। तो देखिए बच्चों, ओजोन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। यस सर। सर लैग, लैग क्या है बच्चों? हेलो निर्वेद। ओके बच्चों, आप आपको यहाँ तक कैसे ड्रॉ करते हैं लेविस डॉट से क्लियर हुआ कि फिर से एक्सप्लेन करो? ओके, अभी बच्चों इसके बाद हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। बच्चों देखो, मैंने इस तीनों ऑक्सीजन पे बच्चों मैंने नंबरिंग कर दिया। इसे ऑक्सीजन वन कर दिया, रोमन वन, यहाँ पे रोमन टू है बच्चों, और यहाँ पे रोमन थ्री है। अब बच्चों हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इनके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। हमें पता चलेगा कि इन पे चार्ज क्या है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमें कुछ पता चल रहा है क्या कि इस पे चार्ज क्या है? नहीं है। क्या इस कंपाउंड पे हमें कुछ पता चला कि इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? नहीं पता है बच्चों, लेकिन हमें ये पता है कि इसके बाहर माइनस टू चार्ज है, लेकिन किस पे क्या चार्ज है हमें पता चला नहीं। तो ये हमें पता कब चलेगा बच्चों? जब हम इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो रहा है आप लोग को बच्चों? यस। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। यस, तो सभी ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए। नहीं सर, एकदम बहुत सही। ये देखो बच्चों, तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ओके सबको विजिबल है ना बच्चों? फॉर्मल चार्ज ऑफ ओ वन, ओ वन, आप समझिएगा बच्चों, मैं ओ वन की बात कर रहा हूँ। ओ वन मतलब इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों इस ऑक्सीजन का में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैं फॉर्मूला आपको बाद में बताता हूँ। तो इस ऑक्सीजन में बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है। माइनस बच्चों, इस ऑक्सीजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इस ऑक्सीजन बच्चों नॉन बॉन्डिंग, जिसने जिस इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है, तो कितने बच्चों? दो हैं। तो सिक्स माइनस टू, माइनस हाफ। ओके बच्चों, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किया है, कितने बॉन्ड फॉर्म किया है? आप देखेंगे बच्चों, तीन बॉन्ड फॉर्म किया है, और बच्चों तीन बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? सिक्स इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो बच्चों टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिक्स। समझ में आ रहा है आपको? तो बच्चों इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? थ्री। क्या आ रहा है बच्चों? सिक्स माइनस टू माइनस थ्री, इसका मतलब क्या है बच्चों? सिक्स माइनस फाइव, क्या आएगा बच्चों आपका? एफ सी ओ वन कितना आया? ये शुड बी बच्चों प्लस वन, एम आई राइट? ये आपको समझ में आया बच्चों? कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये पास फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट है, कितने लोग को समझ में आया? यस आई वॉन्ट, मुझे एक 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 साथ में आवाज चाहिए आप सबकी। सर हाफ कैसे बच्चों? ये फॉर्मूला है, मैं आपको बाद में बताता हूँ ये हाफ कैसे है, बाद एक फॉर्मूला है बच्चों। ओके, ये फॉर्मूला है। ये यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ? कितने लोग को समझ में आया वो मुझे बताइए प्लीज, आवाज के साथ चाहिए मुझे बच्चों। रिटर्न में नहीं, रिटर्न में सिर्फ जानवी है। yes, सबको समझा? सिर्फ निर्वेद की आवाज आ रही है, जानवी की आवाज आ रही है, बाकी किसी और की नहीं आई। ओके अब आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा देखो, दूसरा आप अगर मैं O2 की बात करो, FCO2 की बात करता हूँ, FCO2, अब हम उसका मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों। तो मैं देखता हूँ कैसे मुझे मिलेगा। चलिए इस ऑक्सीजन पे बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों आपको पता है सिक्स ही होगा, तो यहाँ पर सिक्स लिख लीजिए। माइनस बच्चों, ओके मैं फिर से, मैं एफ सी थ्री भी कह देता हूँ बच्चों, एफ सी ओ थ्री, ध्यान से लिखिए। इस ऑक्सीजन पर बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ बच्चों, इसमें को मैं देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सिक्स ही रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? O2 पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? आप देख रहे हैं कि दो पेयर है, वन टू थ्री फोर, मतलब बच्चों दो पेयर मतलब चार इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? माइनस फोर। क्लियर हुआ? यहाँ पे बच्चों बैलेंस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिसने बॉन्ड फॉर्म नहीं किया? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सिक्स। समझ में आ रहा है आप लोग को? ध्यान से देखिए चाहिए। फिर बच्चों माइनस हाफ यहाँ पे भी करेंगे, माइनस हाफ यहाँ पर भी करेंगे। अब बच्चों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, काउंट करेंगे कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्म किया है। तो इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं? इसने सिर्फ इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? दो बॉन्ड फॉर्म किया मतलब फोर इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ इंटू फोर। क्लियर हुआ? अब बच्चों यहाँ देखते हैं इसने कितना बॉन्ड फॉर्म किया बच्चों? सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म किया है। सर बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सॉरी बच्चों। क्लियर बच्चों? तभी देखिए आप लोग का सब, आपको समझ में आया ना? मैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? जो इस पे लोन पेयर जो दिख रहा है बच्चों, जिसने बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है, ये जो दिख रहा है बच्चों, इसको नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं या लोन पेयर आप बोल सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं फॉर्म किए हैं,
और बच्चों जिस जो बॉन्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो बच्चों इस ऑक्सीजन पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, देखिए दो बॉन्ड है मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने हाफ इंटू फोर किया हूँ। इस ऑक्सीजन पे बच्चों ये तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल कितने बच्चों तीन पेयर है मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चों मैंने सिक्स किया, माइनस हाफ क्या होता है बच्चों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों सिर्फ एक बॉन्ड है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटू टू। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बच्चों कट कर दीजिए इसको, तो क्या आएगा आपको क्या मिलेगा बच्चों सिक्स माइनस फोर माइनस टू मतलब सिक्स माइनस सिक्स क्या है बच्चों यहाँ पे जीरो, O2 पे चार्ज क्या है बच्चों जीरो है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये वन हुआ तो आपको क्या मिलेगा सिक्स माइनस वन मतलब सिक्स माइनस सेवन क्या आएगा बच्चों माइनस वन। क्लियर हुआ आप लोग को? इसका मतलब बच्चों इस ऑक्सीजन पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा ओ प्लस वन, क्लियर बच्चों ओ प्लस वन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस वन। क्लियर हुआ? ये बच्चों आप लोग का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए। अब बच्चों इधर इसका देख लीजिए आप लोग CO2 माइनस का टाइम है ना हमारे पास, प्लीज टाइम का बताइएगा बच्चों CO2 माइनस देख लीजिए आप लोग इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर बच्चों मैं ऑक्सीजन को जो है इसे ओ वन दे देता हूँ, इसे बच्चों O2 कंसिडर कर लेते हैं और इसे बच्चों O3 कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चों हम कार्बन का Fc फाइंड करते हैं, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन क्लियर है सबको, विजिबल है ना, जिसे विजिबल नहीं है प्लीज बताइए। यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन लिखा है यहाँ पे लिखता हूँ एफ सी ओ वन, ओके क्लियर बच्चों। दूसरा लिखता हूँ एफ सी ओ टू, अब आप सबको क्लियर हो गया होगा सर एफ सी का मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज है एफ सी ओ थ्री। क्लियर बच्चों? ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए यहाँ बच्चों कार्बन की कार्बन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सिक्स, तो सॉरी फोर होता है बच्चों, तो यहाँ पे फोर माइनस। क्लियर हुआ आप लोग को बच्चों? कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फोर, ऑक्सीजन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों सिक्स, तो सब पे सिक्स सिक्स कर दीजिए। क्लियर हो गया आप लोग को? ये सिक्स क्लियर हुआ बच्चों? प्लीज एक साथ में बताइए मुझे, मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो भी एटम होगा उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों कार्बन पे चार है, ऑक्सीजन पे से मैंने सब पे सिक्स सिक्स कर दिया। क्लियर हुआ? अब आगे बताइए, अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं बच्चों, क्या कार्बन पे कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर दिख रहा है क्या बच्चों आपको? नहीं। सो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जीरो करेंगे, मतलब कार्बन पे कहीं पे भी दो डॉट के फॉर्म में ऐसे दिख रहे हैं क्या बच्चों? नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पे जीरो। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों एफ सी वन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, ये देखिए एक पेयर ए हो गया दो और एक पेयर ए हो गया बच्चों दो, टोटल कितने हो गए चार इलेक्ट्रॉन, तो माइनस फोर। यहाँ पे बच्चों O2 पे कितने हैं तीन पेयर हैं मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर, तो क्या हो गया बच्चों माइनस सिक्स। यहाँ पर भी कितने बच्चों तीन लोन पेयर हैं मतलब सिक्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी माइनस सिक्स। क्लियर हो बच्चों? माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों सब पे हाफ कर दीजिए, हाफ समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर उसके बाद बच्चों क्या कंसिडर करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते बच्चे, यहाँ पे देखिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो, इस एक बॉन्ड से बच्चों दो इलेक्ट्रॉन, इस एक बॉन्ड से दो इलेक्ट्रॉन चार हो गए बच्चों सिक्स, और इधर कितने बच्चों एट, समझ में आ रहा है आप लोग को? इनटू एट। क्लियर है आप सबको? यस। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यस और नो प्लीज बच्चों? अब देखो बच्चों इसको कट करेंगे, कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों फोर माइनस फोर क्या हो गया, फोर माइनस फोर क्या मिला बच्चों जीरो, इसका मतलब कार्बन का चार्ज क्या है बच्चों जीरो है। अब आते हैं बच्चों एफ सी ओ वन पर, हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है इसके, देखिए बच्चों इसने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया है बच्चों, दिख रहा है आप लोग को? तो कितने होंगे बच्चों चार इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ इंटू फोर, तो ये देखिए बच्चों कट गया, तो सिक्स माइनस फोर माइनस टू क्या मिलेगा बच्चों आप लोग को, यहाँ पर भी जीरो, समझ में आप लोग को? मतलब ओ वन पर भी क्या है बच्चों जीरो की चार्ज हुई। अब ओ टू पे आते हैं बच्चों, सिक्स माइनस इनटू ये देखिए O2 आपका ये है दिख रहा है आपको, तो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है एक बॉन्ड है बच्चों, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनते हैं दो से, तो कितना हुआ बच्चों यहाँ पे टू कर दीजिए, कट गया बच्चों ये, सो कटा कितना है वन, तो सिक्स माइनस वन, तो क्या हुआ बच्चों माइनस वन चार्ज। क्लियर हुआ आप लोग को? यस। अब यहाँ पे आते बच्चों ओ थ्री पे, यहाँ पर भी बच्चों क्या है एक ही बॉन्ड है, सो इंटू टू सेम वही होगा बच्चों सिक्स माइनस वन,
तो क्या है बच्चों, माइनस वन चार्ज, क्लियर? इसका मतलब बच्चों आपका O2 और O3 पे क्या है, माइनस वन चार्ज है। वही बच्चों माइनस वन आपको माइनस टू के फॉर्म में दिख रहा है। Have you understood how we calculate a formal charge? Yes. Yes, sir. अब बच्चों अब आप आपने देखा होगा कि हम जो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या यूज करें बच्चों, सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, यस और नो? दूसरा बच्चों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका बच्चों फॉर्मूला हुआ। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। फॉर्मल चार्ज हमें जिस एटम का कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग बच्चों फॉर्मल चार्ज ऑफ कैलकुलेटेड एटम, कैलकुलेटेड एटम इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेटेड एटम इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कैलकुलेटेड एटम, कैलकुलेटेड एटम एटम बच्चों जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ कैलकुलेटेड एटम यस माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कैलकुलेटेड एटम क्लियर हुआ बच्चों आपको ये फॉर्मूला? कितने लोग को ये समझ में आ गया कि सर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं और लेविस डॉट स्ट्रक्चर से कैसे ड्रॉ करते हैं? आप सबको क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। ओके अब बच्चों मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बच्चों पूरा क्लियर हो जाएगा कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या थी। अब बच्चों आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए बी एफ थ्री। ओके बच्चों इधर देखिए बी एफ थ्री देखिए, एक और आपके सामने एग्जांपल लेता हूं बच्चों पी सी एल फाइव। ओके बच्चों बी एफ थ्री देखिए, इसका अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, कोई मुझे बता देगा? कोई बताएगा बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने आएंगे और इसके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई भी बता सकता है फास्ट बच्चों? बोरॉन पे बच्चों कितने होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी बच्चों? अगर 24 एम आर राइट, कितने बच्चों 24 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बट इट अब देखो इधर आके देखते हैं बच्चों, यहाँ पे फॉस्फोरस पे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और बच्चों एक क्लोरीन पे 7, तो 5 7 5 35 प्लस 5 कितने हो गए 40 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, क्लियर हुआ आपको? और यहाँ पे 24। अब बच्चों इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इनमें से लेविस इलेक्ट्रॉन कौन है बच्चों? बोरॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों फ्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा फ्लोरीन और यहाँ पे क्या होगा बच्चों फ्लोरीन, क्लियर हो? अब देखिए अब बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो ये देखिए बच्चों मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया तीनों के साथ में, बोरॉन का इस फ्लोरीन के साथ, बोरॉन का इस फ्लोरीन के साथ, इसको बच्चों F1 कर दो, इसे F2 कर दो और इसे F3 कर दो, नो इशू। अब बच्चों इनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, किसका? पेरिफेरल का, तो दो तो यहाँ पे बच्चों 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 क्लियर हो बच्चों? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपका, नेटवर्क बैंडविड्थ लो है बच्चों, पता नहीं आज नेटवर्क का इशू क्यों आ रहा है, ऑडियो नहीं आता था, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, एक्चुअली क्लाउडी एटमॉस्फेयर हुआ है इसकी वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है। रुकिए बच्चों मैं इसको चेंज करता हूँ, नेटवर्क को चेंज करता हूँ, जियो का नेटवर्क नहीं दिखा रहा सही से। Yes.
बच्चों अभी क्या विजिबल दिख रहा है आप लोग को? प्लीज टेल मी इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू कि अभी भी बैंडविड्थ लो है बच्चों? वही दिखा रहा है बच्चों, ये एटमॉस्फेयर क्लाउडी है इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, बट डोंट इशू, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना प्रॉपर? यस सर। तो बच्चों आज एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, जो भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। कि मैंने जो 24 इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज किए हैं उसमें मुझे क्या दिख रहा है बच्चों कि अभी भी सेंट्रल एटम जो बोरॉन है उसका बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको ये भी बच्चों पता है कि हम फ्लोरीन और बोरॉन के बीच में कभी भी मल्टीपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। तो इसके लिए बच्चों इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेटम। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? इनकम्प्लीट ऑक्टेटम। ऐसा में लेकिन बच्चों ये कंपाउंड स्टेबल है, BF3 इज वॉट इज ए वेरी स्टेबल कंपाउंड। लेकिन बच्चों ये इनकम्प्लीट, इनकी स्टेबिलिटी जो है, इनकी स्टेबिलिटी लेविस ने नहीं बताया था, तो इनकी क्या होगा बच्चों लिमिटेशन आ गया था। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों PCl5 में। इधर देखिए, इधर P है ओके, यहाँ पे Cl को बच्चों मैं ऐसे अरेंज करता हूँ 4 ओके। ये देखिए अगर बच्चों मैं PCl5 को ऐसे अरेंज करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये देखिए बच्चों सबके साथ ही सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। यस तो अभी देख रहे हो आप, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहीं पे हो गए। अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8। बच्चों टोटल कितने हो गए? 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों इस फॉस्फोरस के पास तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किसमें चला जाता है? एक्सपांडेड ऑक्टेटम, एक्सपांडेड ऑक्टेट। सो बच्चों यही सब क्या थे? लिमिटेशन थे किसके? ऑक्टेट रूल के। तो ऑक्टेट रूल का पहला लिमिटेशन क्या है बच्चों? ऑक्टेट रूल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, दैट इज द मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ओके बच्चों, एग्जांपल में आपका BF3 हो गया, BCl2 हो गए, AlCl3 हो गया बच्चों, LiCl हो गया। ये सब क्या थे बच्चों? आपके इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल थे। दूसरा बच्चों आपका क्या था? द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्टेट वुड ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, दैट इज द मॉलिक्यूल विथ मोर देन 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ओके बच्चों, तो इसमें एग्जाम्पल क्या था आपका? PCl5 हो गया, SF6 हो गए, पटेटा, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। तीसरा बच्चों क्या था कि इसने जो है इसने हमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप और ज्योमेट्री की बात नहीं की थी, मतलब कि इसने तो हमें बताया था बस कि इसके एटम के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे तो स्टेबल कहलाएगा। बट बच्चों लेविस डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो इसके तीसरा लिमिटेशन था, इसने कुछ भी नहीं बताया था हमें किसके बारे में बच्चों? शेप। यस टेल मी लैग हो रहा है सर। हाँ बच्चों मुझे भी दिख रहा है। ओके अभी ठीक है, अभी बच्चों अभी ठीक है, अभी ठीक है क्या आपको? यस बच्चों थोड़ा सा हिस्ट्री रहने दीजिए, हम ये जो चीजें जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। इसका क्या बोलते हैं लिमिटेशन, मेन कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ये सब इस लिमिटेशन देखते हैं, हम देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन क्या था बच्चों? इनकम्प्लीट, उसमें बस आपको याद रखना टेक्स्ट बुक में सब दिया हुआ है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो बच्चों लेविस फेल हो गया इसको एक्सप्लेन करने में, लेविस थ्योरी डज नॉट, लेविस रूल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, द
स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो बच्चों लेविस रूल फेल टू एक्सप्लेन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूलम, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूलर। क्या बच्चों हमें इसके अकॉर्डिंग कोई शेप मिल रहा था? नहीं, हम बस एटम को अरेंज कर रहे थे प्रॉपर, बट वी डजंट गेट एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप। सो ये बच्चों का थर्ड लिमिटेशन था। फोर्थ लिमिटेशन क्या था बच्चों? कि इट डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द डिफरेंस इन एनर्जी एंड रिएक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंस इन एनर्जीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड रिएक्टिविटीज ऑफ मॉलिक्यूलर। ये बच्चों इनका फोर्थ लिमिटेशन था। पहला लिमिटेशन क्या बच्चों? ऑक्टेट रूल फेल टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एग्जाम्पल BF3, BCl2, AlCl3। दूसरा बच्चों लिमिटेशन क्या है? ऑक्टेट रूल फेल टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर हैविंग सेंट्रल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन अ बैलेंस शेल। तीसरा बच्चों ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बच्चों क्या डिफरेंस है, क्या लिमिटेशन है? ऑक्टेट रूल डज नॉट टेल्स द डिफरेंस इन एनर्जी एंड रिएक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। एंड लास्ट बच्चों एक और इनका लिमिटेशन है, इट ऑल्सो डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ओके, मीन्स बॉट बच्चों? वह मॉलिक्यूल है जिसमें किसी एटम पे क्या होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक बच्चों NO हो गया आपका, NO2 हो गया, ये सब क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। सो ये सब इसके लिमिटेशन थे किसके बच्चों? ऑक्टेट रूल के। क्लियर हुआ? यस, आई होप बच्चों आपको लिमिटेशन पता चल गए। आज आपने जो भी देखा, क्या देखे बच्चों? लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, एंड बच्चों लास्ट लिमिटेशन। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? किसी को भी कोई डाउट आ रहा है इसमें? यस बच्चों, AlCl3 इज ऑल्सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसके लिए बच्चों हम इसको क्या यूज करते हैं? लेविस एसिड के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने देखा होगा बच्चों AlCl3 यूज एज एन इलेक्ट्रोफाइल, BF3 इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल, BC जिनके भी बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। क्लियर? आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों, आपको बताया गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। हेलो हेलो, तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ गया ना? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, मतलब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। बिकॉज एग्जांपल बताता हूं, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। जिनके बच्चों जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वे भी क्या कहलाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को बच्चों लेविस एसिड कहा जाता है। लेविस एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बच्चों? जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और जिनको प्रोटॉन की जरूरत होती है बच्चों, तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सब क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल बच्चों लेविस बेस कहलाते हैं। लेविस बेस क्या होते हैं बच्चों? दोज स्पीशीज विच डोनेट अ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ आप लोग को? यस यस सर, यस सर। और कुछ बच्चों? सो बच्चों ये सब चीजें जो है अभी आप लोग, मैं इसके साथ जो भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। बट हाँ, कॉलेज से रिलेटेड आप मुझसे कोई IITN के क्वेश्चन ना सॉल्व कराओ, क्वेश्चन ना पूछो, क्योंकि बच्चों ये हमारे हमें स्ट्रिक्टली मना किया जाता है ये सब चीजें बताने के लिए। और दूसरा एक और चीज बच्चों, आप इसका स्क्रीन शॉट लेने की आप लो, अगर जिसको स्क्रीन शॉट चाहिए ले लीजिए, बट इसे अपने लिए रखिए बच्चों, क्योंकि अगर आप ग्रुप में डालोगे जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं अटेंड किया उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? सो प्लीज डोंट, आपको स्क्रीन शॉट चाहिए ले लीजिए, लेकिन मैं यही कहूंगा बच्चों प्लीज रिफर टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैं आपका बेनिफिट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट टेक्स्ट बुक को रिफर कीजिए। नहीं, नोट्स बच्चों आप जब अपने मन से पढ़ के बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा है, आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। मैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं अलग चीजें बताता हूँ, अपने हिसाब से आपको समझाता हूँ मैं। लेकिन बच्चों टेक्स्ट बुक में हो सकता है कि मुझसे मैं जितना बताएं उससे ज्यादा कंटेंट हो। अंडरस्टूड? सो प्लीज बच्चों रिफर टेक्स्ट बुक, इट्स अ माय रिक्वेस्ट।
नहीं बच्चों, इन सबको नोट्स तो मैं कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप जो पढ़ रहे हो उससे खुद से आप तैयार करो बच्चों, ओके। अगर आप चाहे तो आप मुझसे बोल सकते हो कि सर क्या हमने जो बनाया हो सही है कि नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं चेक कर लूंगा बच्चों, आपको कोई भी बात करनी है मुझसे, कोई भी, आप मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों, टाइम ज्यादा हो रहा है आप लोग का, ब्रेक खत्म हो जाएगा। एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, एंड ऑल ऑफ यू अगेन विशिंग अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर, बाय बच्चों। Thank you, sir. Bye. Happy New Year. Yeah, take care. Bye, sir. Bye. Take care, all of you. Have a good day. Bye.